ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग? सब फिट फॉर है ना? नहीं। चलें जी, आज का दिन का इफ्तिताह करते हैं हम। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अपने चूजों को ओपन करके, मुर्गियों को ओपन करके इनकी खुशियां चेक करें, और ये हमारे रहे बजीज। ये हमारी कार है, और ये हमें, और ये हमारी पार्टी हो रही है। बेहतरीन एंजॉय करते हुए। तो अच्छा यार, ऐसे है कि आपसे एक मशवरा भी चाहिए था कि मैं थोड़ा सा ना बकरा मंडी वगैरह साइड पे भी जाता हूँ ना, ठीक है? तो अगर आप लोगों को वो ब्लॉग्स पसंद नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर वो चीज़ अपलोड नहीं करूँगा। अभी तो मैं इस वजह से अपलोड कर रहा हूँ कि क्योंकि एनिमल्स में ही आते हैं वो, तो इस वजह से मैं वो भी उसका भी ब्लॉग बीच में डाल लेता हूँ। अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे, पसंद नहीं करते, तो हम उनके व्लॉग्स करना छोड़ देंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मशवरा दीजिएगा ताकि हम जो हैं वो व्लॉग्स बनाना छोड़ दें। ये हमारे कीना फॉल के छोटू से चिक्स जो हम लेके आए थे, उसमें से ये एक छोटू बड़ा हो गया माशाल्लाह काफी। तो गर्मी दोस्तों दिन ब दिन शदीद होती जा रही है। और खैर कोई नहीं, बारिशें भी बहुत हुई हैं तो गर्मी भी अब हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ये जी हमारे चिक्स, इनके लिए मैं आलू लेके आया हूँ आज, बॉइल्ड आलू। देखते हैं खाते नहीं खाते, थोड़ा सा गर्म है, नहीं ये ठंडा हो गया। खाओ भाई खाओ, खाओ भाई खाओ, आ जाओ। अभी माशाल्लाह हर चीज़ खा लेते हैं। पहले जब शुरू में आए थे ना, बड़े नखरे करते रहते थे। मोर से तो मुझे बड़ी टेंशन थी। मोर साहब जो ऐसे थे कि जनाब कुछ खाते पीते नहीं थे, अब मोर ने सब कुछ खाता है, मोर वगैरह। तो अब मुझे टेंशन नहीं है इनकी इतनी ज़्यादा। बस हाँ थोड़ा सा ये है कि गर्मी होती है उसकी टेंशन है, वो भी मैं इंशाल्लाह ग्लूकोस ORS और इस तरह की चीज़ों के साथ इनको गर्मी नहीं लगने दूंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों अब इनको मैं खाना वगैरह देता हूँ और फिर अपनी डॉग के पास जाएंगे। बजीज को भी डाल दिया, खाना वगैरह डाल दिया माशाल्लाह। ये देखें फ्रेश दाना, फ्रेश पानी। अच्छा आपने ये ज़रूर लगाना है अपने बर्ड्स के साथ, ये यहाँ से ऊपर से ना, और ये चीज़ें आपने देखी होगी, मैंने भी लगाई हुई, ये ना उड़ जाते हैं वरना ये बड़े शरारती होते हैं, ये पिंजरा वगैरह खुद खोल लेते हैं। अगर आप ओपन एयर आपने बर्ड्स रखे हुए इसका तो आपने वो ख़ास ख्याल रखना है। और इस तरह का अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी स्पेस लग रही है तो उसको भी आप देख लें, क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता, ये हवा में निकल जाते हैं। ये उड़ गए तो आपको पता है कवे इनके पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा ये उड़ गए तो इनके पीछे कवे पड़ जाते हैं, तो इनकी कोई फिर जिंदगी कोई रहती नहीं है। तो यहाँ पे सेफ हैं, खुश हैं, खाना पीना खा रहे हैं, हर तरह का माहौल है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इनको भी मैंने खाना दे दिया, ये भी सुकून सिस्टम मजे कर रहे हैं। और अभी हम जाएंगे अपनी डक्स के पास। चलो बड़ी होगी हमारी बच्चें, सोनू सोनू, आज हम इनको नीचे छोड़ेंगे। और बस बहुत हो गया, अभी पिंजरे में रह लिया, अभी नेचुरल एनवायरमेंट में जाएंगी। ये देखें जी पौधे, साथ साथ ही ये हमारे कॉकटेल्स। अभी जाएंगी नेचुरल एनवायरमेंट में नीचे, अपने घास से खा लो। तो आइए अब इनको लेकर चलते हैं नीचे, लेकर चलते हैं बड़ी डक्स के साथ। तो बड़ी डक्स के साथ छोड़ने की, तो आइए इनको बड़ी डक्स के साथ छोड़ते हैं। आवाजें दे रही एक दूसरे को, चलो 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 बाहर करो, आप वेट कर रही हैं बाहर। क्या हाल है भाई साहब? आ जाओ आ जाओ, वो आया है वेलकम करने के लिए, फरिश्ता मैगी मैगी तो वेलकम हो रहा है। सारों ने गर्दने चुका के शैगी मैगी को किया वेलकम, और शैगी मैगी जाके गोल मिल गए इनमें। खैर माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। अब इनको भी दाना वगैरह देते हैं और पानी देते हैं, दाना बल्कि डाला हुआ था मैंने, याद आया मैंने, जस्ट पानी फ्रेश डाल देते हैं इनको। क्या कह रहे हैं जी, शैगी मैगी गोल मिल गई है इनमें। बस आप इनको इधर ही रहने देंगे यार, अब बड़ी हो गई हैं, पर भी बड़े हो गए।
अभी अपनी हिफाजत भी कर सकती हैं, उसके जो फरिश्ता है ये भी हिफाजत करता है, ये इसकी हिफाजत कर लेता है। तो खैर अभी रात भी यहीं रहेंगे, चलो जी जी लो अपनी जिंदगी खुले में कच्ची में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।